अवैध कोडन युक्त कफ सिर्फ के साथ 5 व अवैध हथियार के साथ एक अन्य अभियुक्त गिरफ्तार। सहरसा जिले में विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन किया जा रहा है, जिसके कारण किसी प्रकार की वारदात या घटना मामले का महज कुछ घंटे के भीतर सत्य को उजागर किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने कफ सिर्फ के धंधे में संलिप्त 5 एवं एक अवैध हथियार एवं गोली के साथ एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उक्त जानकारी गुरुवार को सदर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान साइबर DSP अजीत कुमार ने संवाददाताओं को दी। उन्होंने कहा कि बुधवार को जिला के बनमाई टहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि गश्ती में नवनिर्मित थाना से पश्चिम पुलिया के पास वाहन चेकिंग के क्रम में 2 मोटरसाइकिल पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस वाहन से पीछा कर पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्तियों का नाम पता पूछने पर अपना नाम नवीन कुमार, पिता अशोक विश्वास, थाना सोनवर शाहराज, गुडू कुमार, पिता शशि यादव परसवनी, मनोज कुमार, पिता उमेश यादव, मुन्ना कुमार, पिता बालकिशोर यादव, रामरतन यादव, पिता रासो यादव, तीनों बथनही थाना बनमाई टहरी बताया तथा उन लोगों की तलाशी लेने पर उन लोगों के पास से 146 पीस कोडन युक्त कफ सिर बरामद किया गया तथा 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इस संबंध में बनमाई टहरी थाना में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2022 संशोधित दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में बनमाई टहरी थाना की रात्रि गश्ती के पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल के साथ ग्राम भगवानपुर अंकेश कुमार पिता अखिलेश यादव के घर का घेराबंदी कर अंकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देशी कट्टा एवं 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सहरसा पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार जो है अपराधियों और माफिया गिरोह के बीच जो है कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल जो है दिनांक 12/6/24 को रात्रि गश्ती के दौरान जो है एक सूचना मिली बनमाई टहरी थाना को कि एक अपराधी जो जिसका नाम अंकेश कुमार पिता अखिलेश कुमार यादव है, बनमाई टहरी भगवानपुर का रहने वाला है, ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसका जो है किसी दूसरे लोगों के साथ झगड़ा था और यह प्लान बना रहा था कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए। जैसे ही सूचना हमें मिले इसको सत्यापित करते हुए ही जो है कार्रवाई तुरंत रात्रि गश्ती में तैनात जो है पुअनी हसीन अहमद के द्वारा जो है अपने सशस्त्र बल के साथ तुरंत जो है इनके घर पे जो है घेराबंदी कर लिया गया और ये इनको जो है घेराबंदी कर इनको घर से ही जो है घर के पास से ही जो इनको हथियार के साथ जो है इनको पकड़ लिया गया। इनके पास जो है एक देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद हुआ है। इनका इस संदर्भ में जो है बनमाई टहरी थाना में कांड संख्या 38/24 दर्ज हुआ है, जो सुसंगत धाराएं आर्म्स एक्ट में दर्ज है। इसके साथ साथ अगर इसके आपराधिक इतिहास की हम बात करें तो इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये पहले जो है मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम में जो है पहले भी जेल जा चुके हैं। जो टीम में शामिल सदस्य थे उसमें हसीन अहमद बनमाई टहरी के सब इंस्पेक्टर हैं और इसके साथ साथ जो बनमाई टहरी के रिजर्व गार्ड शामिल हैं। एक अन्य घटना जो कि बनमाई टहरी से ही संबंधित है, रात्रि गश्ती के दौरान ही सूचना प्राप्त हुई और साथ ही साथ गहन चेकिंग लगाई गई थी कि कुछ लोग जो है कोडेन युक्त फोरेक्स लेकर जो है ये पश्चिम पुलिया जो जगह है उधर से आने वाले हैं। तो चेकिंग के दौरान ही देखा गया कि दो बाइक पे 5 लोग सवार जो है उस तरफ आ रहे थे। पुलिस की गाड़ी को जैसे ही सघन चेकिंग देखते हुए देखा गया तो उन लोग के द्वारा तुरंत गाड़ी में उड़ाकर भागने की कोशिश की गई, जिसे गश्ती दल द्वारा जो है पीछा कर दबोच लिया गया। उसमें 5 लोग जो है 5 लोग उसमें 5 लोग थे। सबका नाम पता और तलाशी लेने पे उनके पास से जो है कोडेन युक्त कफ सिरप जो है 146 पीस बरामद हुआ, जो कि 14.6 लीटर के आसपास है। जो 5 लोग उसमें साथ में जो 5 लोग जो पकड़ाए हैं उनका नाम है नवीन कुमार, गुड्डू कुमार, मुन्ना कुमार, उसके साथ साथ मनोज कुमार, राम रतन यादव, ये सारे इसमें से 5-4 जो हैं बनमाई टहरी थाना के हैं और एक नवीन कुमार जो है वो सोनवर्षा थाना अंतर्गत है। 5ों लोगों को जो है इसके साथ साथ जो है इनके जो 2 मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर आ रहे थे उसे भी विधिवत जब्त कर लिया गया है। इसमें टीम में शामिल आगे रात्रि गश्ती में जो शामिल थे हसीन जो पुलिस पदाधिकारी थे हसीन अहमद खां और उसके साथ बनमाई टहरी की सशस्त्र बल जो शामिल थे।